काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश में शहडोल में बता दी कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब आरोपियों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाला ही। एसपी के प्रतिवेदन पर एसडीएम के द्वारा 3 महीने के खातिर एनएसए की कार्रवाई की गई है। दूसरे कई आरोपियों का न्यायालय के द्वारा जेल भेज देंगे। वंदे क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सबिजन का प्रणाम करी थी, शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दी कि कक्षा 10वीं के छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर के द्वारा एनएसए की कार्रवाई की गई। डीएम तरुण भटनागर के द्वारा बतावा गया कि एसपी कुमार प्रतीक के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के धारा 3-2 के तहत 5 आरोपी का 3 महीना के खातिर निरुद्ध करने के आदेश जारी किया गया है। कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ धारा 376D, 376(2)(n), 376DA, IPC 5G और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सामूहिक हैवानियत के मामले में 5 आरोपी का कोतवाली पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश किएगा। यहां से आरोपियों का जेल भेज देगा। जो आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाला ही उमाश्वर निधि गुप्ता और फुल्लू गुप्ता, पिता स्वामी शरण गुप्ता उम्र 36 वर्ष, साहिल कुरैसी पिता शहीद कुरैसी उम्र 22 वर्ष, कैलाश उर्फ मनु पनिका पिता राजू पनिका उम्र 29 वर्ष और मोहम्मद समी पिता मोहम्मद अक्रम उम्र 18 वर्ष, मोहम्मद अफजल अंसारी पिता मोहम्मद फारूक अंसारी उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम कल्याणपुर शहडोल शामिल हैं। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल। इजाजत, प्रणाम।